फ्लेमिंग यार इसका ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मजाक से। टोंडे भाई आप लाका पैनल यूजर के साथ क्यों खेल रहे हो, बाद में आपका नाम भी खराब होगा। Hey, what's up everyone? I hope so आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे and welcome back to our channel. आज भी मेरे पास बहुत interesting stories है, then video को end तक देखते रहना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। okay, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी के साथ। एंड मैं बात करने वाला हूँ नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। क्या नॉन स्टॉप भाई R1 भाई का PC चेक करने वाले है? क्योंकि आपको तो पता ही है नॉन स्टॉप भाई के लाइफ पर हमेशा यही स्पैम होते रहते हैं। R1 PC चेक यार देखो, PC चेक कैसे करना चाहते हो तुम ये बताओ। PC चेक अगर किसी भी दिन कर रहे हैं तो भाई देखो आधा पौना घंटा 30-45 मिनट्स लगेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रीम हम सेट कर सकते हैं। तो गाइस तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, तो देखते हैं भाई कब तक करते हैं। बट वैसे वो फेयर प्लेयर ही है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वो कुछ यूज करता है। चलो बाकी देखते हैं जब PC चेक होगा। ओके, मैं अभी बात करने वाला हूँ बिंजर्ड गेमिंग के बारे में। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले बिंजर्ड भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया था, जहाँ पर भाई का 1 लाख फॉलोअर्स भी थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी न्यूज कवर करके भी रखा है। अगर आप लोग बिंजर्ड भाई की लाइफ देखते होंगे आप लोगों को पता ही होगा चैट में हिंदू मुस्लिम होते रहते हैं। और आप लोगों ने बिंजर्ड भाई की कुछ वीडियोस में देखे होंगे जहाँ पर वो इमोशनल हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी कुछ लोग मजाक बनाने लगता है, सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रहा है। तो कल बॉस ऑफिशियल भाई ने भी इसको लेकर बात किया है। अभी के टाइम पर बिंजर्ड भाई के साथ हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत है। बिंजर्ड गेमिंग यार इसका ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मजाक से हटके। तो चलो आज इसके ड्रामे को हम लोग खत्म, टाटा बाय बाय करते हैं अच्छे से। तो तुमको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बिंजर्ड गेमिंग एक हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर में से एक है। इवन इतना ही नहीं, ये जो क्रिएटर है वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड मोस्ट ऑनेस्ट क्रिएटर ऑफ फ्री फायर है। क्योंकि अभी के टाइम पे तुमको पता है भाई बिक चुकी है गवर्नमेंट पूरी की पूरी, लेकिन उसके अंदर भी बंदा हमेशा से एकदम लॉयल रहा है, हर चीजें अच्छी करी है। कोई भी कभी भी किसी भी वीडियो में इसने ना कभी गाली दिया, ना किसी को उल्टा पुल्टा बोला, ना तुम कभी देखोगे इसको कि भाई बेमतलब किसी से कंट्रोवर्सी कर ले रहा है या कुछ भी कर ले रहा है। पहले तो मेन चैनल पे बहुत सारी स्ट्राइक्स डलवाई, ठीक है। अब देखो ये सीन जो है ये कुछ टाइम से चल रहा था, ये एकदम से नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम पहले से स्ट्राइक वगैरह बिंजर्ड पे, फेक स्ट्राइक वगैरह चैनल पे आ रहा था। जो कि मेरे को बिंजर्ड ने बताया भी था कि दोनों चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आ रहे हैं, ये वो फेक रिपोर्ट वगैरह पड़ रही है। कुछ सिचुएशन था बिंजर्ड के साथ भी, लेकिन कैसे भी करके बंदे ने सब कुछ फिक्स करा। बट यहाँ पे सीन क्या हो गया भाई के साथ कि भाई का जो इंस्टाग्राम था, पता नहीं बहुत टाइम पुराना इंस्टाग्राम था, मतलब यूट्यूब ये 6 साल से कर रहा है लेकिन उससे भी पहले इसका इंस्टाग्राम था। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले इसके सौके हुए थे और फिर पता लगता है कि भाई आईडी उड़ जाए, मतलब बंदे को क्या ही लगेगा यार। तुम खुद सोचो कि कोई बंदा मेहनत से 100K कर रहा है, उसका कभी का सपना था कि 100K उसके हो इंस्टा पे और एकदम से उड़ जाए। और ये बंदा कहीं ना कहीं यार देखो, तुमने इसकी बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी कि हाँ बंदा रोज आता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे। पहले जब मैं नहीं जानता था इसको, मेरे को भी लगता था सीरियसली बताऊं तो कि हाँ ड्रामा वगैरह करता है, नौटंकी करता है। लेकिन नहीं यार, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपने इमोशंस को दिखाने का, चीज़ों को दिखाने का, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुम्हें मेरे को हर किसी को उन चीज़ों का मजाक बनाना कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि कल को अगर तुम भी रोगे तो तब तुम्हें पता लगेगा कि सामने वाला अगर तुम्हारा मजाक उड़ा है, तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ा है। तो किसी की मजबूरी का मजाक रहो, ऊपर वाला सब देखता है। और अच्छे के साथ हमेशा अच्छे रहो, जो अच्छा नहीं है उसकी फिर झुका के ले भी लो, ये मेरा रूल है। अरे बिंजर्ड गेमिंग तो मुस्लिम है, इसका मतलब तो ये पत्थरबाज हो गया, मुल्ला हो गया, हर जगह गालियां, मुल्ला है तू, मुस्लिम है, इस तरीके के कमेंट आते हैं भाई ऐसे बंदे को। बताओ जिस बंदे का कभी किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलना नहीं, फिर भी ये बंदे को ऐसा सहना पड़ता है। गाइस तो जो लोग रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं, हिंदू है ये मुस्लिम है, भाई ऐसा मत किया करो यार, ये ना बहुत ही गलत है। ओके, मैं अभी बात करने वाला हूँ फिर से टेक प्रो हर्ष वर्सेस वी आर गेमर्स कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता ही होगा आयुष भाई ने टेक प्रो हर्ष भाई के फेस रिवील कर दिए थे। क्या वो टेक प्रो हर्ष भाई का फेस नहीं है? परसों भाई ने एक वीडियो डाली थी, भाई ने वहाँ पर बताया था कि वो उनका फोटो नहीं है। ओके, आप लोग देखिए, चलो अब दिखाता तुम्हें मैं उस फोटो की सच्चाई वीडियो प्रूफ के जरिए। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं टेक प्रो हर्ष हूँ, लेकिन मैं असलियत में टेक प्रो हर्ष नहीं हूँ। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने थोड़े दिन पहले देखा कम्युनिटी पोस्ट में एक यूट्यूबर ने मेरा फोटो डाला था और उसमें लिखा था कि मैं टेक प्रो हर्ष हूँ, लेकिन मैं असलियत में टेक प्रो हर्ष नहीं हूँ और मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। और हाँ एक बात, मैं राज वलेसा भी नहीं हूँ, राज सिंह है मेरा पूरा नाम और मैं गुजरात में रहता हूँ। और हाँ ये बात है 3-4 दिन पहले की, जब मैं VR गेमर की कम्युनिटी पोस्ट देखता हूँ उसमें मेरे फोटो होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं टेक प्रो हर्ष हूँ। और वो देखने के बाद मैं टेक प्रो हर्ष भाई को ईमेल करता हूँ कि भाई ये मेरे फोटो में आपका नाम है और मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर भी मेरा फोटो को
लोग के बीच में लाया गया। ऐसा मैं टेक प्रो हर्ष भाई को ईमेल करता हूँ। यार्गेमन ने मुझे इंस्टा पे डीएम भी किया था कि तू सच सच बता दे या झूठ भी कुछ भी बता दे तो मैं तेरे को जाने दूंगा वरना लीगल एक्शन लूंगा तेरे ऊपर, ऐसा भी मुझे किया। अब मुझे पता नहीं कि ये वीआरगेमन मेरा फोटो क्यों दिखा रहा है। भाई तुम लोग को उस फोटो के पीछे की सच्चाई पता चल गई होगी और जिस बंदे की वो फोटो थी मैंने उसका भी वीडियो प्रूफ तुम लोग के सामने लाकर रख दिया। मतलब इसकी क्या औकात है देख लो। और इसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है भाई, तेरे लंबे बालों के नीचे तेरा दिमाग दब गया है क्या? निकाल ले उसको, बाहर निकाल ले मेरे भाई। दुनिया में लाखों राज नाम के बंदे हैं, हर एक राज नाम का बंदा राज वलेचा नहीं होता है। और ये तो देखो जाके डीएम करके बोल रहा है तू टीपीएस के बारे में झूठी गवाही दे दे। अरे वो क्या गवाही देगा, मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने ही तेरे को स्ट्राइक मारी, उखाड़ पाएगा कुछ तो उखाड़ ले। क्या बोलते फिर रहा है भाई, जेल करवा दूं, एक मौका दे दूं। अरे यार करना भाई प्लीज यार, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज यार करना, ये सब झूठी कहानी है, बच्चों को सुनाना बस। इसके बारे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन गलत बोल रहा है और कौन सही, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और आयुष भाई ने भी इंस्टाग्राम पर कुछ ये स्टोरी लगाया। ओ भाई कसम से गाइस, ये सब देख के मेरे को हंसी भी आ रही है और तरस आ रहा है इनके माँ बाप के ऊपर, इनके पेरेंट्स के ऊपर। ये साले छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज अभी ठीक से 18 प्लस भी नहीं हुई है, जिनकी सिम भी इनके मम्मी के नाम पे रजिस्टर है, ये 10-10 लाख का स्कैम करने का ट्राई कर रहे हैं। बताओ इतनी हिम्मत कहां से आ रही है इन लोगों में भाई, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है। पहले मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चा इसको बच्चा समझ के छोड़ दूंगा, लेकिन फिर इसकी हरकत आगे बढ़ती गई, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। और फिर इन चीजों में इसके पापा इन्वॉल्व हो गए। इसके पापा ने हम लोगों को अपनी फेक आइडेंटिटी बताकर हमारे आइडेंटिफिकेशन देखी थी और अभी ये सारी डिटेल निकली तो पता चला है कि जिस नंबर से जिस फोन से क्राइम हुआ उसके IMEI नंबर पे जो नंबर रजिस्टर है वो नंबर एक लेडी के आधार कार्ड पे, मतलब इसकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है। मतलब पहले तो सिर्फ इसको चक्कर लगाने पड़ते, अब इसके पापा को भी लगाने पड़ेंगे और अब इसकी मम्मी को भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसकी मम्मी के नाम पे जो सिम रजिस्टर है उसी से क्राइम हुआ है। मतलब क्यों भाई, क्यों करते हो ऐसे बच्चे पैदा यार तुम लोग? गाइस अगर आप लोग मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि मैंने तो उसको स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा मौके दिए। जब इसने फर्स्ट बॉस गर्ल पर फेक वीडियो बनाई तब भी मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने उसकी रियलिटी वीडियो में बता दी थी और उसके बाद इसने मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करा दिया और अपने इंस्टाग्राम पर बन रहा था हीरो। फिर मैं समझ गया था कि बच्चा चलो छोड़ो जाने दो, क्या ही बोलूं उसको, फिर मैंने उसको माफ कर दिया। अब उस चीज को मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझ के अपने सोशल मीडिया वगैरह पर गाली वगैरह देने लगा मैं बहन की, तब भी मैंने उसको छोड़ो यार माफ कर दिया। और उसके बाद जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू की तो उसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी, मेरे चैनल को डिलीट करवाने का ट्राई किया। तब मैंने सोचा कि इस बार मैं इसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं इसके घर पे गया मैंने इसकी फैमिली से बात की, इसके पापा से बात की, इसके पापा ने रिक्वेस्ट की, मैंने फिर इसको माफ कर दिया। पहले उसने बोला था स्ट्राइक हटा दूंगा लेकिन उसने नहीं हटाई। अब फिर उसके बाद ये मतलब पैसों की डिमांड करने लगा, मैं समझ गया कि यार पैसों का लालची है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ये सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने फिर इसको माफ कर दिया। लेकिन वही है ना कि फटे तो फटे नवा भी ना गटे, फिर ये मेरे को गाली वगैरह देने लगा। फिर मैंने इसको वार्निंग दी थी कि मैं तेरा फेस रिवील कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। अब मैंने इसका फेस रिवील कर दिया तब भी नहीं माना, अब कितना माफ करूं इसको मैं। ओके अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ, मैं बात करने वाला हूं लाका गेमिंग के बारे में। क्या लाका भाई पैनल यूज करता है? कल टोंडे भाई लाइव करके लाका भाई उनके साथ खेल रहा था तो चैट में टोंडे भाई को एक बंदा बोलता है लाका पैनल यूजर है, आप इसके साथ मत खेलो, बाद में आपका नाम भी खराब हो जाएगा। उसके बाद टोंडे भाई का क्या रिप्लाई आता है तो आप लोग देखिए। टोंडे भाई आप लाका पैनल यूजर के साथ क्यों खेल रहे हो, बाद में आपका नाम भी खराब होगा। पूरे स्क्वाड लाका पैनल यूज नहीं करते हैं, पैनल यूज नहीं करते हैं, थोड़ा वो सेटिंग बाज वाली वीडियो बनाते हैं बट पैनल नहीं है वो। बॉस ऑफिशियल ने प्रूफ के साथ लाका को एक्सपोज करके रखा है, हैकर है। नहीं 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 वो अब उनको भी जाके पूछ लेना है लाका के हैकर है, हैकर नहीं है, क्या ही हैक यूज करेगा बेचारा कस्टम में वो, मतलब बंदों को ऐसा करो वैसा करो बोल के वो मारते हैं वैसे हेडशॉट, समझ रहे हो ना? रियल में उस तरीके से नहीं खेलता है वो, हैक यूज नहीं करता है। हैक यूज करने का तो मतलब सीधा दिख जाता है भाई। ओके गाइस तो आज के वीडियो बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। ओके तो इस वीडियो को यही पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू ऑल। That one's just me, time's up.